डीए सर पब्लिक स्कूल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। मैं पप्पू कुमार आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ जीके सब्जेक्ट, जो आज हम लोग क्लास 5 का जीके देखेंगे। जीके क्लास 5 का लेसन 4 आज पढ़ेंगे, जिसका नाम है इन डेंजर एनिमल्स। जो एनिमल जिनके जीवन जो है खतरे में है, उनके बारे में कुछ पढ़ेंगे जो इस धरती से समाप्ति के कगार पर हैं। ठीक है, तो रीड द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिज एनिमल विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, राइट देयर नेम्स। इनके नाम को लिखना है, ठीक है, उन जानवरों का नाम लिखना है जो लुप्त होने के कगार पर है, खतरे में है। इन डेंजर मीन्स खतरा। फाउंड इन वियतनाम दिस मैस्टिकली क्रिएचर इज समटाइम रेफर टू एज द एशियन यूनिकॉर्न, नाउ क्रिटिकली इन डेंजर, इट इज वन ऑफ द रियरेस्ट लार्ज मेमल ऑन द अर्थ। ये जो जानवर है वियतनाम में पाए जाते हैं और ये बहुत बड़े स्तन पाई हैं और ये लुप्त होने के कगार पर पहुंच गए हैं, जिनका नाम है सावला। क्या है ये? सावला। दूसरा है दिस वाइल्ड कैमल विथ टू हम्प इज फाउंड इन रॉकी गोबी डिजर्ट एंड द ग्रासलैंड ऑफ एशिया। ये जो कैमल है, देखिए कैमल है, इसमें दो हम्प है, दो यानी हम्प यानी कुबड़ है, और ये जो पाए जाते हैं गोबी रॉकी गोबी डिजर्ट में पाए जाते हैं एशिया के। क्रिटिकली इन डेंजर एज इट्स पॉपुलेशन हैज रिड्यूस टू लेस देन 1,000 ड्यू टू हैबिटेट लॉस। और इनके जो जनसंख्या है 1,000 से भी कम हो गई है। ठीक है, इनका नाम है क्या? ब्रेटियन कैमल। थर्ड है दिस जिराफ लाइक मैमल इज फाउंड इन रेन फॉरेस्ट। ये रेन फॉरेस्ट जहाँ बारिश होती है, दी अपर कांगो रिवर बेसिन इन सेंट्रल अफ्रीका में पाए जाते हैं। इट इज इन डेंजर ड्यू टू लॉस ऑफ हैबिटेट एक्सीडेंटली ट्रैपिंग मेंट फॉर ए स्मॉलर एनिमल एंड किलिंग फॉर इट्स स्किन। और इसका जो शिकार किया जाता है, इसके स्किन के लिए बहुत सारे लोग जिसको क्या करते हैं, शिकार करते हैं, जिसके कारण ये भी आज के समय में समाप्ति के कगार पे पहुंच गए हैं। इनका नाम है ओकापी। ठीक, फोर्थ है इट इज द लार्जेस्ट लैंड एनिमल इन एशिया। एशिया का ये लैंड पे रहने वाले सबसे बड़े जानवर हैं। इट लिव इन डेंस फॉरेस्ट एंड थ्रोन स्कर्व फॉरेस्ट इन इंडिया, जो घने जंगलों में रहते हैं, इंडिया नेपाल श्रीलंका साउथ चाइना मलेशिया सुमात्रा एंड बोर्नियो, इन सभी जगहों पे ये पाए जाते हैं। दिस एनिमल इज द ग्रेट डेंजर ड्यू टू हैबिटेट लॉस एंड पंचिंग फॉर आइवरी एंड वैरायटी ऑफ अदर प्रोडक्ट्स। ठीक, तो ये है एशियंटिक एलिफेंट। एशियंटिक एलिफेंट है जो लुप्त के कगार पे पहुंच गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर, दिस एनिमल इज वन ऑफ आवर क्लोजेस्ट रिलेटिव इट्स। ये जो है हमारे बहुत ही करीबी है। इट इज फाउंड इन सवाना वुडलैंड्स, ये सवाना के जंगलों में पाए जाते हैं, एंड रॉन फॉरेस्ट। इट इज इन डेंजर ड्यू टू ट्रेबल एक्सप्लोटेशन एंड ह्यूमन हैंड्स। पंचर बटर्स इंटायर फैमिलीज फॉर द कमर्शियल बोशमेंट मार्केट एंड सेल इन बेबीज एंड एक्सटेंट पेट्स। पालने के लिए इसके बेबी को क्या किया जाता है, सेल कर दिया जाता है, इनको पकड़ लिया जाता है कमर्शियल के लिए, जिसके कारण इसका क्या भी ये भी समाप्ति के कगार पे पहुंच गए हैं, जिनका नाम क्या है, चिंपांजी। सिक्स्थ है दिस मैरियन मैमल्स इज फाउंड मेनली इन द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। ये जो मैमल हैं मुख्य रूप से गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर नदियों में पाए जाते हैं। इट्स मेन ट्रेट इज द डिस्क्लाइन इन द डेप्थ ऑफ द रिवर। ये
नदी के बहुत ही गहराई में रहते हैं। पॉइजनिंग फॉर रिवर बाय इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर केमिकल्स एंड हंटिंग। और नदियों के पानी क्या हो गया आजकल, पॉइजन हो गया, पॉइजन लग गया किसके कारण, इंडस्ट्री के कारण और एग्रीकल्चर केमिकल के कारण, जिनके कारण इनका भी जीवन बहुत खतरे में है। डॉल्फिन का ये होंगे गंगा डॉल्फिन। उसके बाद है 7 नंबर, दिस डियर लाइक मेमल इज फाउंड इन द ट्रिबिटन प्लेट्यू। ये ट्रिबिटन प्लेट्यू पे पाए जाते हैं हिरन। दी हाइएस्ट बिगेस्ट एंड मोस्ट दी मोस्ट रिमोट प्लेट्यू, जो बहुत ही ऊंचे बड़े और मोस्ट रिमोट प्लेट्यू पे होते हैं इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड के। अनफॉर्चुनेटली इट एक्सेप्शनली फाइन अंडर फॉर नोन एज साबुस मैक्स इट टारगेट ऑफ हंटिंग, जिसका क्या मुख्य कारण है समाप्ति का, शिकार मुख्य कारण है, शिकार के कारण ये क्या हो, ये जो डियर है समाप्ति के घर पे पहुंच गए हैं। एंड दिस से लॉन्गेस्ट टेल मेमल लिव इन द कूल हाई एल्टीट्यूड माउंटेन्स फॉरेस्ट। ये जो हैं लंबी पूछ वाले जानवर हैं, इनके बहुत ही लंबी पूछ होते हैं, मेमल्स हैं, लिव कोल्ड जो ठंडी जगहों पे रहते हैं, जैसे फॉरेस्ट इन नेपाल बर्मा एंड सेंट्रल चाइना में पाए जाते हैं। इट इज़ द इन डेंजर, इनके भी समाप्ति की कगार पे जनसंख्या पहुंच गई है ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन विच द रिजल्ट इन सिंकिंग फॉर द नेचुरल स्पेस। इनकी जगह की जंगलों की कमी के कारण इनका क्या हुआ है, समाप्ति की कगार पे पहुंच गए हैं। लास्ट है दिस इज एन ओल्ड ओल्ड वर्ल्ड मंकी, संसार का सबसे पुराना मंकी है ये। इज फाउंड ओनली इन द वेस्टर्न घाटी, जो वेस्टर्न घाटी में ही पाए जाते हैं। इट इज इन डेंजर बिकॉज इनकी समाप्ति के कारण मुख्य है फॉरेस्ट हैबिटेट, जंगलों की सफाया, इट बींग टर्न इन टू फार्मर लैंड, जिसके कारण क्या हो रहा है वहाँ पर, फार्मर लैंड मतलब कृषि के लिए क्या किया जा रहा है आजकल, जंगलों की सफाई किया जा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, इन जानवरों की खत्मा होने की कगार पे पहुंच गई है। तो इनका नाम है लायन टेल मैक्यू, ठीक है, लायन टेल मैक्यू, MACAQUE मैक्यू, ठीक। तो ये है इसमें, इसको आप लोग ध्यान से एक बार लिख लीजिएगा कॉपी में और इसको याद कर लीजिएगा। ये वो जानवर है जो इस संसार में इनकी जो जनसंख्या है लगभग ख़त्म होने की कगार पर पहुँच गई, जिसको हमें क्या करना है, इसकी बचाव करना ही होगा।